हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं ओए पांडे जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकलिंक्स के बारे में। तो क्या है डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके वेबसाइट में और कैसे आप ये बैकलिंक्स बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है बैकलिंक्स क्या है। अगर किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक हम अपने वेबसाइट पर दें या फिर हमारी साइट को किसी दूसरे साइट से लिंक मिले उसे कहते हैं बैकलिंक्स। अगर आपको सर्च इंजन में रैंक कराना है तो इसके लिए बैकलिंक्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सर्च इंजन बैकलिंक्स को एक रेफरेंस के तौर पर यूज करता है। अगर आपके वेबसाइट पर अच्छे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स है तो गूगल के नजर में आपका साइट पॉपुलर है और दूसरी साइट भी आपके साइट को रिकमेंड करती है। इस सिचुएशन पे गूगल आपके पोस्ट की रैंक सर्च इंजन में ऊपर करेगी। यानी सिंपल भाषा में आपके साइट पर जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होंगी सर्च इंजन में आपका ब्लॉग उतना ही ज्यादा रैंक करेगा। अगर हम बैकलिंक्स की टाइप की बात करें तो बैकलिंक्स होते हैं मेनली दो तरह के, एक है डू फॉलो बैकलिंक्स और एक है नो फॉलो बैकलिंक्स। जनरली डू फॉलो लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जिन्हें यूजर के साथ साथ सर्च इंजन भी फॉलो करता है, और नो फॉलो लिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं जिन्हें सिर्फ यूजर्स फॉलो करते हैं, सर्च इंजन उन्हें इग्नोर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इस आर्टिकल में एक लिंक है। जैसे ही मैं इस लिंक्स पर क्लिक करता हूँ ये एक दूसरे साइट पर खुलता है, यानी मैंने इस साइट को लिंक दिया है। तो अगर ये लिंक डू फॉलो होगा तो सर्च इंजन इस आर्टिकल को क्रॉल करते वक्त इस लिंक को भी क्रॉल करके उस दूसरे साइट पर जाएगा और उसे भी क्रॉल करेगा। लेकिन अगर ये नो फॉलो लिंक होगा तो साइट इस लिंक को इग्नोर कर देगा। तो अगर ये डू फॉलो लिंक्स होगा तो उस साइट को क्या फायदा पहुंचेगा? जब सर्च इंजन इस लिंक को क्रॉल करेगा तो वो एक लिंक जूस पास करता है वो दूसरे साइट को, और यह लिंक जूस आर्टिकल की रैंकिंग में हेल्प करता है और उसकी डोमेन अथॉरिटी को भी इम्प्रूव करता है। बाय डिफॉल्ट आप अपने ब्लॉग में जो भी लिंक्स देते हैं वो डू फॉलो लिंक्स होता है, और डू फॉलो लिंक्स का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ब्लॉग में कोई नो फॉलो लिंक्स देना हो तो आपको सिंपली ब्लॉगर पे यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इसे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, तो आपका जो लिंक क्रिएट होगा वो नो फॉलो लिंक होगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं आप अपने ब्लॉग में नो फॉलो और डू फॉलो लिंक को कहाँ इस्तेमाल करें। अगर आप किसी हाई क्वालिटी वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं अपने ब्लॉग में या फिर किसी और ब्लॉग के टेक्स्ट या फिर इमेज को कॉपी कर रहे हैं तो इसके रेफरेंस के तौर पर आप उस वेबसाइट को डू फॉलो लिंक दे सकते हैं, और नो फॉलो लिंक आप लो क्वालिटी साइट को दे सकते हैं या फिर किसी अनरिलेटेड साइट को। जैसे कि मान लीजिए आपका एक साइट है टेक्नोलॉजी के बारे में और आपने कुकिंग वेबसाइट का लिंक दिया है। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप अपने साइट में जो भी एफिलिएट लिंक दे रहे हैं उसे आप नो फॉलो लिंक ही दें। अब हम बात करते हैं कैसे आप अपने साइट के लिए डू फॉलो और नो फॉलो लिंक बिल्ड कर सकते हैं। डू फॉलो लिंक के लिए सबसे अच्छा तरीका है गेस्ट पोस्टिंग, जिसमें आप किसी रिलीवेंट साइट में अपना एक पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं और उस साइट से बैकलिंक हासिल कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो है डायरेक्टरी सबमिशन का। आप अगर गूगल में टाइप करेंगे तो आपको ऐसे हजारों डायरेक्टरीज मिल जाएंगे जहां से आप डू फॉलो बैकलिंक्स पा सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है डू फॉलो कमेंट का। नॉर्मली आप जो साइट में कमेंट करते हैं वो नो फॉलो लिंक होता है, लेकिन कई बार वहां से आपको डू फॉलो लिंक भी मिल जाती है। अब जो नो फॉलो लिंक के अंदर आता है वो हुआ नो फॉलो कमेंट, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा आप जो भी सोशल शेयर करते हैं जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, यहाँ पे आप जो लिंक डालते हैं उससे भी आपको नो फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं। अगर आप सर्च इंजन में रैंक करना चाहते हैं या फिर ट्रैफिक पाना चाहते हैं तो आपके पास एक बढ़िया रेशियो होना चाहिए डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स का। कोशिश कीजिए कि आपका जो डू फॉलो और नो फॉलो लिंक का रेशियो हो उसे 80-20 का रखें। यानी कि अगर आपके पास 10 बैकलिंक्स है तो उनमें से 8 डू फॉलो होने चाहिए और 2 नो फॉलो। अभी अगर बैकलिंक्स की बात करें तो उसका इतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रहा जितना कि 3 साल या फिर 5 साल पहले था, क्योंकि गूगल ये अब समझ चुका है कि लोग अब बैकलिंक को बिजनेस बना चुके हैं। इसी वजह से इसका अब इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर आपके साइट पर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स है तो ये आपको मदद करेगी अपनी रैंक को इम्प्रूव करने में।
तो डू फॉलो बैकलिंक्स आप अपने साइट के लिए कैसे बनाएं, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।